प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इस वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए भलाई की बात क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी भलाई को उत्पन्न करती है? आप क्या करोगे जिससे आपका भला होगा, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जब परमेश्वर ने पतरस को चुना और जब पतरस के पास गए थे वो, और पतरस जब पूरी रात मछली पकड़ने के बाद भी एक भी मछली पकड़ नहीं पाए थे और सुबह काफ़ी निराश थे, काफ़ी उदास थे, जाल को धो रहे थे, और उस वक्त प्रभु यीशु वहाँ पर आए। और जब प्रभु यीशु वहाँ पर आए तो प्रभु यीशु जो है उन्होंने पतरस को बोला कि पतरस, मछली आई है कि नहीं आई? और तब पतरस ने बताया कि प्रभु मछली नहीं आई है। तो प्रभु ने बोला कि काम कर, नाव को, किश्ती को गहरे जल में ले जा और वहाँ जाकर तू गहरे जल में जाल डाल। तो पतरस जो है वो सोच रहे थे कि मैं क्या जाल डालूँ और मैं क्यों जाल डालूँ, क्योंकि पूरी रात मैंने तो बहुत मेहनत की है और ये तो मसीह है, रोमी साम्राज्य से हमें छुड़ाने वाले, ये तो सुतार का बेटा है, इनको क्या मालूम कि मछली कैसे आएगी और मछली किस तरह से पकड़ी जाती है। लेकिन फिर भी पतरस ने अपमान करना नहीं चाहा और उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो पूरी रात बहुत मेहनत की, एक भी मछली नहीं आई, लेकिन आपके कहने से एक बार फिर मैं जाल डालता हूँ। और पतरस अकेले उस नाव में गए और उन्होंने अकेले ने वो जाल डाली। लेकिन जब जाल डाली तो बहुत सारी मछली आई और फिर वो ज़ोरों से चिल्लाए, अपने साथियों को आवाज़ दी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि बहुत सारी मछली आई और मैं अकेला उस जाल को नहीं खींच पा रहा। तो लोग आए और आंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, वो तीन उनके सहभागी थे, आंद्रियास तो सगे भाई थे, वो लोग गए, उन्होंने सहायता की और वो लोग मछली पकड़कर बाहर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि प्रभु ने जो आज्ञा दी गहरे जल में जाल डाल, वो पतरस ने मानी। लेकिन पतरस ने मानी कैसे? ना वो आज्ञा मानने में खुश थे, ना ही ये आज्ञा उन्होंने विश्वास से मानी थी। क्यों विश्वास से नहीं मानी थी, कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर विश्वास से मानी होती तो अपने साथियों को क्या बोलते, चलो 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 हम चलते, क्योंकि यीशु ने कहा ना तो बहुत सारी मछली आएगी, बहुत सारी मछली आएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, अकेले गए थे तो उनको ऐसा कौन सी मछली आने वाली, छोड़ो। और देखो, बिना विश्वास और बिना खुशी से पर आज्ञा मानी तो फायदा तो पतरस का ही हुआ। और प्रभु से को कौन सी मछली चाहिए थी? क्या प्रभु से पतरस को बोला, पतरस एक दो मछली मुझे दे दे, या मछली का दसमास मुझे दे दे, या इसको बेचकर आ कुछ दान मुझे दे दे? कुछ भी प्रभु से तो नहीं बोला। मतलब प्रभु से को तो कुछ नहीं चाहिए था, उनको किसी बात की जरूरत नहीं थी। नामान वो कोढ़ी थे और आराम के राजा के सेना के सेनापति थे, बहादुर थे, सामर्थी थे, इज़राइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया था, लेकिन थे कोढ़ी। और जब वो इज़राइल से एक लड़की को लेकर गए गुलाम बनाकर और अपनी पत्नी को दे दी लड़की और बोला कि इसको अपनी दासी बना कर रख, और उनकी पत्नी ने उस लड़की को अपनी दासी बना कर रखा। इस इज़राइल की लड़की ने अपनी मालकिन से एक बार बात की कि अगर मेरा मालिक वो अगर इज़राइल के सामरिया में जाए, वहाँ के भविष्यवक्ता के पास जाए, तो उनका कोढ़ चला जाएगा। तो मालकिन ने अपने पति नामान से कहा, लड़की ऐसा बोल रही, नामान वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। और नामान ने अपने राजा को बोला कि मुझे कुछ पत्र लिख कर दे इज़राइल के राजा के ऊपर, ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए, मतलब मेरी सिफारिश कर दे। और सिफारिश लेटर लेकर वो इज़राइल के राजा के पास गए। इज़राइल का राजा डर गया कि मैं कैसे इसको चंगाई दूँ। लेकिन एलिशा भविष्यवक्ता ने राजा के पास इंसान भेजकर बोला कि नामान को मेरे पास भेजो। जब नामान एलिशा के पास आए तो एलिशा का तो कोई बड़ा घर नहीं था, वो तो झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने अपने नौकर
गेजी से ऐसा कहा कि तू बाहर जा और जाकर उस नामान से इतना कह दे कि यर्दन नदी में जाए, सात बार डुबकी लगाए और तेरा कोढ़ चला जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। अभी ये सुनकर नामान जो कोढ़ी थे वो बहुत ही क्रोधायमान हो गए और वहाँ से चले गए। तो रास्ते में उनके नौकरों ने पूछा कि मालिक आप ऐसे क्यों क्रोध कर भाग आए? तो बोले दमस्क जो हमारा शहर है वहाँ की नदियाँ अच्छी नहीं है, उसका पानी साफ नहीं है, क्या मैं वहाँ पर सात बार डुबकी ना लगाऊँ, वहाँ पर शुद्ध ना हो जाऊँ, इसने मुझे यर्दन नदी के बारे में क्यों कहा? क्योंकि यर्दन सही में गंदी नदी है, वहाँ पर नहाना कोई पसंद नहीं करता। तो नामान भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके नौकर ने बोला कि अगर भविष्यवक्ता ने कोई बड़ी बात की होती तो क्या आप ना मानते, कोई भारी बात बताते तो ना मानते? बोले हाँ मानता ना मैं। तो फिर ये भी मान ले, देख जाए, देख लेंगे हम लोग क्या होता है क्या नहीं। तो नामान यर्दन नदी में गए, सात बार डुबकी लगाई और उनका मांस शुद्ध हो गया और कोढ़ चला गया। लेकिन यहाँ पर भी सवाल है कि क्या नामान ने खुशी खुशी आज्ञा मानी थी, क्या नामान ने विश्वास रखकर आज्ञा मानी थी? यहाँ पर भी पतरस की तरह नामान ने ना तो विश्वास किया था, ना ही नामान ने खुशी खुशी आज्ञा मानी थी। लेकिन देखो इसके जीवन में भी चमत्कार हो गया। इसका मतलब ये है कि आप चाहे खुशी से आज्ञा मानो, चाहे बिना खुशी से आज्ञा मानो, आप विश्वास से आज्ञा मानो चाहे विश्वास रखे बिना आज्ञा मानो, लेकिन परमेश्वर का काम होता है, भलाई आपकी है। अभी नामान जो है वो अपने साथ काफ़ी भेंट लेकर आए थे, वो वापस एलिशा के पास गए। एलिशा को बोला मैं सोना चांदी कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ, मेरी भेंट को ग्रहण करो। एलिशा ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर नामान पहले भी भेंट देते तो भी एलिशा ग्रहण नहीं करने वाले थे, उनको इस भेंट की ज़रूरत नहीं थी, ना प्रभु यीशु को पत्र से कुछ चाहिए था, ना नामान से एलिशा को कुछ चाहिए था, ना परमेश्वर को कुछ चाहिए, ना परमेश्वर के दास को कुछ चाहिए। लेकिन वो जो भी आज्ञा बताते हैं, वो जो लोग मानते हैं उनका भला होता है, चाहे खुशी से माने, चाहे विश्वास से माने, और चाहे नाराज होकर माने या विश्वास बिना माने, लेकिन फिर भी भला होता है। सोचो अगर इंसान बिना विश्वास और बिना खुशी से आज्ञा माने तो भी अगर उसका ही भला होता है, ना कि परमेश्वर के दास का, ना ही परमेश्वर का, तो सोचो वही आज्ञा वो अगर विश्वास और खुशी से माने तो उसका कितना अच्छा हो। इसलिए आज्ञा जो है वो खुशी से मानना सीखो। और एक वचन हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वचन को मानने वाले बनो, खुद को धोखा देकर सुनने वाले नहीं। क्यों? सिर्फ सुनोगे तो आपका भला नहीं होगा, लेकिन वचन मानोगे तो आपका भला होगा। तो वचन मानने में ना परमेश्वर की भलाई है, ना परमेश्वर के दास की भलाई है, लेकिन भलाई आपकी ही है। इसलिए वचन को मानना सीखो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।